हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी हम पहुँच चुके हैं धामपुर और अपने फेवरेट तुलारामस में आए हैं चाय पीने के लिए, क्योंकि नींद आ रही है भयंकर वाली मुझे भी और इनको भी गाड़ी चलाते हुए। तो सोचा थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। एक अभी कोटद्वार पहुँचने में लगेगा थोड़ा सा टाइम, तो चलिए फिर पहले चाय पीते हैं। तो अभी हम इंटर कर चुके हैं कोटद्वार में और हम जा रहे हैं अभी झंडा चौक। तो अभी हम पहुंच गए हैं मौसी जी वाली लोकेशन पे। तो पहले हम जाएंगे मौसी जी के घर, वहाँ से तैयार होके फिर निकलेंगे हम हल्दी हाथ के लिए। तो मैं अभी तैयार हो गई हूँ और तैयार होके बैठ गई हूँ, बाकी सब लोग हो रहे हैं अभी तैयार। तो अभी मैं आपको सीधे लड़की वालों के घर पे मिल रही हूँ, मतलब जो मौसी की बेटी है उनकी ननद की शादी थी। तो हम सीधे यहाँ पहुँच गए, बीच में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि मेरा स्टोरेज ऑलरेडी फुल हो चुका है। मैंने कितनी सारी वीडियोस अपने डिलीट की हैं। तो यहाँ पर हो रहा है अभी हल्दी हाथ, तो हमारे यहाँ बोलते हैं बांध, तो लड़की को बांध दिए जा रहे हैं और इधर मांगल वगैरह गाए जा रहे हैं। एक वीडियो भेजो तो लड़की अभी मांगल गाने वालों को रिश्तेदारों के बारे में बता रही है, क्योंकि मांगल में फिर वही रिश्ते गाने पड़ते हैं जो बांध कर रहे होते हैं। भाभी अभी तो यहाँ पे वो मुझे भी पूछ रही है कि मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा है, आप कौन हो करके। तो मैंने भी फर्स्ट टाइम ही मिली थी उनसे, मैं अपने ननदों से ही पहली बार मिली, जो मतलब मौसी की बेटी है उनको भी मैंने पहली बार ही देखा था अभी इतने टाइम में। तो काफ़ी ज़्यादा रिलेटिव्स आ रखे थे इन लोगों के, बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही थी। फिर कॉलोनी वगैरह के भी आ जाते हैं आस पड़ोस वाले भी, तो इस वजह से वीडियो बनाने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं थी। तो जो बड़ी वाली ननद थी, मैंने उसके बेटे को दे रखा था फ़ोन कि तुम बना के लेके आना वीडियो, तो वो लगा हुआ था वीडियोज़ बनाने पर। ये सारी वीडियोज़ फिर उसी ने बनाई हुई हैं। हाथ लगा जा। Thank you.
तो बांध जब पूरे कंप्लीट हो जाते हैं तो घर वाले इस तरीके से हल्दी लगाते हैं, जो बची हुई हल्दी होती है वो सारी दुल्हन या दूल्हा जो भी रहता है लड़का लड़की उसको लगा देते हैं पूरी हल्दी को। फिर इसके बाद दुल्हन नहाने जाएगी। तो दुल्हन अभी नहा के आई है और अभी होती है यहाँ पर आरती, तो सब आरती में गए हुए हैं अभी। तो आरती करने के बाद दुल्हन के ऊपर से पानी वगैरह फिराया जाता है, फिर वो पिया जाता है, मतलब नज़र उतारना बोलते हैं इसे। फिर यहाँ पे जो ये लेडीज़ें हैं उन्होंने वो रिचुअल किया और फिर दाल चावल होते हैं उनको फिर ऐसे फेरा जाता है, तो वो सब कर रही हैं अभी यहाँ पर। तो वो जो लोटा घुमाने वाला जो सीन था वो इसलिए नहीं किया मैंने क्योंकि फ़ोन पर मेरा स्टोरेज फुल हो रहा था, तो बहुत दिक्कत आ रही थी मुझे वीडियो शूट करने में, तो मैंने जो जो शूट हो रहा था मुझसे मैं वही शूट कर रही थी बस। तो यहाँ पर खाना लगा हुआ था, तो जब दुल्हन भी फ्री हो गई थी फिर हम लोगों ने खाया खाना, और मौसम भी आज बहुत ख़राब हो रहा था, बारिश की बूंदें पड़ने स्टार्ट हो गई थी। तो अभी हम सीधे घर जा रहे हैं खाना वाना खा के और थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर शाम को बारात के लिए आएंगे हम यहाँ पर। तो थोड़ा सा कोटद्वार का जो मार्केट है वो भी मैंने आप लोगों के लिए कैप्चर कर लिया है। तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर भी, आज साड़ी संभालनी बहुत मुश्किल हो गई। एक तो साड़ी ढंग से पहनी हुई भी नहीं थी, अगर कोई पार्लर वाली पहनाती तो अच्छे से पहनाती फिर शायद इतनी गर्मी नहीं लगती, और ऊपर से इतनी हैवी साड़ी थी बस मन हो रहा था कब चेंज करें। तो दोस्तों ये था मेरा लुक, मैंने ज़्यादा टाइम आपको बताया नहीं था और वहाँ भी मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला क्योंकि वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, एक तो फ़ोन पकड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। तो अभी बना रही हूँ मैं वीडियो और अभी मैं घर पर आ चुकी हूँ, तो सबसे पहले करूँगी चेंज और फिर मिलूँगी मैं आपको। तो अभी हमने कर लिया था थोड़ी देर आराम और 3:30 बजे सोए थे, 5 बज रहे हैं अभी, तो अभी उठ रहे हैं सो के। और ये पिंपल्स भी देखो अभी हो रहा था इन्होंने, और ये है इसकी बुआ की शादी है और इन्होंने इसको यहाँ भेज रखा है कि ये वहाँ पे ना गंदे काम करता है, शैतानी करता है, तो बुआ की शादी मिस करके इसको यहाँ भेजा गया है ताकि रेनो वहाँ पे आराम से काम धंधा निपटा सके। तो इसकी अभी तबीयत ख़राब हो गई है क्योंकि इसने कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम बहुत ज़्यादा खाई, तो अभी इसको खांसी जुकाम स्टार्ट हो गई है और ये लेट गया है, अब शायद इसे फीवर भी हो रहा होगा थोड़ा थोड़ा। तो जब आए थे कपड़े सारे ऐसे फैला रखे थे हमने, बस ये था कि वहाँ से आने के बाद ऐसा लग रहा था कि कब थोड़ी देर आराम करने के लिए मिलेगा, और मैं सारे टाइम भर यही बोलती रही मौसी लोगों को कि भैया सल्यूट है उन लेडीज़ों के लिए जो घर में साड़ी पहन के काम करती हैं, क्योंकि मुझसे तो एक घंटा संभालना भी मुश्किल हो गया। मुझसे ही क्या मतलब, जो नंद थी वो भी कह रही थी कि बस कब निकालेंगे इस ताम झाम को और कब हम सूट पहनेंगे। बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा था, एक तो गर्मी ऊपर से इतनी हैवी साड़ी, और ऐसा हो रहा था हम लोगों को कि बस हम घर जाते हैं और कब हम चेंज करते हैं। तो इस वजह से भी हम फटाफट से भागे वहाँ से, क्योंकि उन्होंने भी कहा कि भाई नहीं हम चेंज करेंगे सबसे पहले, और यहाँ पर मौसी पूछ रही हैं उसको कि भाई तेरी तबीयत ठीक है कि नहीं है। तो अभी शाम को भी साड़ी पहननी है और बड़ी टेंशन हो रही है कि साड़ी फिर से पहननी पड़ेगी और रात को कैसे निकलेगा वहाँ पर इतना टाइम।
तो मैंने सोचा मैं अब पार्लर जाऊंगी और साड़ी वहां से पहन के आऊंगी, क्योंकि वो थोड़ा सिस्टमेटिकली पहना देते हैं साड़ी को अपने आप। तो मैंने साड़ी पहनी हुई नहीं थी, सिर्फ लपेटी हुई। तो शाम को देवर जी से डील हो रखी है, वो लेके जाएंगे पार्लर में और वहां से मैं साड़ी पहन के आऊंगी तैयार, वहां से होके आऊंगी। तो बस ये कपड़े हो गए हैं फोल्ड, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का। तो ये देखो, बहुत से लोगों ने यहाँ पे मिर्ची, भिंडी, पता नहीं और क्या क्या बो रखा है, और कितने अच्छे हो रखा है यहाँ पर। बहुत अच्छे से उग रखी है यहाँ पर ये सब्जियाँ, क्योंकि मिट्टी अच्छी है यहाँ की। तो बस अभी मैं जा रही हूँ पार्लर में, सिर्फ साड़ी पहन के आऊँगी, बाकी मैं कुछ और मेकअप वगैरह नहीं करने वाली हूँ पार्लर से, क्योंकि गर्मियों का टाइम है, मेकअप टिकता भी नहीं है इतना। तो मैं साड़ी पहन के फिर मैं वापस आऊँगी। तो देवर जी स्कूटी से लेके जा रहे हैं, और स्कूटी राइड तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, मतलब बस से, बस और जो कार है उससे अच्छी स्कूटी की और बाइक्स की। तो चलिए फिर मैं अभी ब्लॉग एंड यहीं पे करती हूँ, मैं आगे मिलूँगी अब आपको बारात वाले ब्लॉग के साथ।